आज एक्सीलेंट से जो है सिंथेसिस का एक्सरसाइज 6 करते हैं, तो जो कि बेस्ड है, आधारित है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज पर। किस पर आधारित है? एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज पर आधारित है। तो पहले जान लो एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज में होता क्या है। इसके द्वारा जब सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं तो दो वाक्य में रहते हैं, तो एक वाक्य की वर्ब को वैसे रहने देते हैं और एक वाक्य की वर्ब को किसी एडवर्ब में बदल दो। एडवर्ब किस में? एल वाई वाले एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ माइनर में, मतलब कोई एडजेक्टिव है या वर्ब है तो उसको जो है अगर उससे एडवर्ब बन रहा है तो एडवर्ब ऑफ माइनर तो एल वाई लगा के बना दो, नहीं तो आप क्या करो उसको एडवर्बियल फ्रेज में बदल दो। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है, उसमें क्या हो, एक नाउन रहता है और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन रहता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज जो है। अब द रोज हैज थॉर्न्स, पहला है आपका गुलाब में थॉर्न्स माने होता है कांटे, कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन या निश्चित है। तो आप वाक्य को जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, गुलाब में निश्चित रूप से कांटे होते हैं, तो रूप से या ढंग से, क्लियर, या तरीके से, ये सब आता तो जान लीजिए एलवाई जोड़ा जाएगा, ठीक, नहीं तो प्रीपोजिशन की हिंदी आएगी जिस शब्द के साथ, उस शब्द के साथ उसको प्रीपोजिशन की अंग्रेजी लिख दो तो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा द रोज हैज थॉर्न्स। अब यहाँ पहले वाक्य को ज्यों कहते हैं लिख दो, दूसरे वाक्य से दिस इज हटा के सर्टेन में एलवाई जोड़ दो तो हो जाएगा सर्टेनली, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, तो आपका करेक्ट हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। अब दूसरे वाक्य से आपको करना क्या है, तो देयर सर्विस इज हटा दो और सेल्फलेस में एलवाई जोड़ दो, बस आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं, सेल्फलेसली माने निस्वार्थ रूप से, बिना किसी स्वार्थ के। अब देखिए तीसरा वाक्य देखते हैं, ही वॉज एट फॉल्ट देयर इज नो डाउट इन इट, वह जो है दोष पर था इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, तो इसमें कर दो कि ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, ये नो डाउट से एक मतलब एडवर्ब बियल फ्रेज बनेगा अनडाउटेडली, तो ही वाज यहाँ वाज के बाद लिख दो अनडाउटेडली, DOUBTEDLY अनडाउटेडली एट फॉल्ट, या तो ऐसे कर दो, ये एक तरीका इसका अभी से भी है, नो डाउट फिर कामा ही वाज एट फॉल्ट तब भी चल जाएगा, नो डाउट शुरुआत में ले आओ, क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो नो डाउट, दो तरीके से बनेगा, आप एल वाई वाला नहीं जान रहे हो तो नो डाउट कर दो DOUBT, तो कामा करके ही वाज एट फॉल्ट ये कर दो, ये भी सही है, या फिर ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, क्लियर। इससे संबंधित आपको किताब में एक एग्जाम्पल मिलेगा, उसको देख लो समझ में आ जाएगा। तो नो डाउट से रिलेटेड तो इसमें नहीं दिया है, तो नहीं पहला वाला है वही, देखिए राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना, उसी के आधार पर है वो एग्जांपल। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली, नो डाउट को अनडाउटेडली में बना दिया गया तो एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, क्लियर, नो डाउट माने कोई संदेह नहीं है, यानी कि निसंदेहपूर्वक, तो निसंदेहपूर्वक की अंग्रेजी होती है अनडाउटेडली, तो नो डाउट के लिए अनडाउटेडली वाज के बाद देखिए लिख दिया गया ना, उसी तरह से आपको भी यहां कर देना था, अगर ना कर पाओ तो नो डाउट कामा करके पहला वाक्य लिख दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसमें हो गया ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट या नो डाउट कामा ही वाज एट फॉल्ट, ठीक, दोनों सही है, नो डाउट एडवर्बियल फ्रेज है, उसका ये एडवर्ब बनाओगे तो अनडाउटेडली हो जाएगा, वाज के बाद लगेगा। अगला देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट ही वाज इन ए हरी, तो इसको सिंथेसिस करने के लिए होगा, ही वाज हटा दो दूसरे वाक्य से, पूरा वाक्य लिखते चले जाओ, ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी, वह जल्दबाजी में बाजार गया, हरी मन होता जल्दबाजी, क्लियर, तो इन ए हरी आपका एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, तो ही वाज हटा तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, मार्केट के बाद जोड़ दो इन हरी। अगला पांचवा वाक्य देखते हैं, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं मॉर्निंग तक वापस आ जाऊंगा, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ, तो निश्चित हूँ तो निश्चित को आप निश्चित रूप में बदल दो, डेफिनेट से एल वाई जोड़ के बना दो, आई शैल, ठीक है, डेफिनेटली मैं निश्चित रूप से, ठीक है, आई शैल डेफिनेटली रिटर्न, ठीक है, डेफिनेटली एल वाई जोड़ के डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, बस इतना ही करना है, आई शैल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं निश्चित रूप से शाम तक वापस आ जाऊंगा, क्लियर, डेफिनेटली रिटर्न, मैं निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा।
अगला छठवां देखते हैं, आई थैंक्ड हिम आई डिड विथ ऑल माई हर्ट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आई थैंक्ड हिम पूरा लिख लो, उसके बाद विथ ऑल माई हर्ट से जोड़ दो, और कुछ करना नहीं है। आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हर्ट, मैं उसे अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया, तो आपको विथ ऑल माई हर्ट क्या हो गया, एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। अगला, द रिवर वॉज फ्लोइंग पूरा लिख लो, इट्स फ्लो वॉज स्लो, तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, स्लो में एलवाई जोड़ देना है। तो आप इसमें कर दो कि द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीरे धीरे बह रही थी। ठीक, अगला स्लोली आपका एडवर्ब हो गया। आठवां हो जाएगा आपका, ही डिड इट वैसे किया, ही डिड इट विथ ए ग्रेट करेज। तो इसमें कुछ नहीं करना, इट के बाद जो है ही डिड इट आपको हटा देना है, बस हो गया। ही डिड इट विथ ए ग्रेट करेज, वैसे अत्यधिक साहस के साथ किया, तो विथ ए ग्रेट करेज आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। नवां हम देखते हैं, नवां है ही स्पेंट ऑल हिज मनी, वो अपना पूरा धन खर्च कर दिया। देर वॉज दिस वॉज फुलिस, यह मूर्खतापूर्ण था। तो आपको करना क्या है, पहला वाक्य ज्यों का त्यों लिख दो, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसके बाद फुलिस में एलवाई जोड़ दो, आपका वाक्य सिंपल हो जाएगा। क्लियर, वह अपना सारा धन फुलिसली यानी मूर्खतापूर्वक ढंग से खर्च कर दिया। अगला होगा, सी विल पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास करेंगी, इट इज़ सर्टन, या निश्चित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्टन का सर्टनली कर दो, और पहला वाक्य जो कहते हैं लिख के उसे जोड़ दो, तो ही हो जाएगा ही विल पास, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टनली, वह निश्चित रूप से एग्जामिनेशन पास करे। क्लियर, या ऐसे भी कह सकते हैं, सी विल सर्टनली पास द एग्जामिनेशन, सी विल सर्टनली पास द एग्जामिनेशन, ये भी करेक्ट है। क्लियर, बेटर होगा यही, तो सी विल सर्टनली पास द एग्जामिनेशन, ये क्लियर है। अगला, आई थैंक्ड हिम, ये तो हो गया, सर्टनली हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, इग्रामा, द लीडर स्पोक, तो नेता ने बोला, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, तो कुछ करना नहीं है, स्पोक पहला लिख दो, द लीडर स्पोक, उसके बाद दूसरे में फॉर ए फ्यू मिनट से जोड़ दो, तो सिंपल में ये होगा, द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, नेता कुछ मिनट के लिए बोला, बस हो गया, या कुछ मिनट तक बोला। बारहवा होगा, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो जो है हो जाएगा फॉर्चुनेट से फॉर्चुनेटली हो जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा ही फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट, तो यहाँ ठीक है, फॉर्चुनेटली आपको सौभाग्य से जो है, तो आप चाहे तो शुरुआत में भी कर सकते हो इसको, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट में एलवाई, उसके बाद कर दो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, फॉर्चुनेटली बात काम लगा दो, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट, सौभाग्य से वह बिना चोट खाए एक दुर्घटना से मिली, मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हुई, सौभाग्य से बिना चोट खाए उसके साथ दुर्घटना हुई, मतलब उसके साथ दुर्घटना तो हुई लेकिन सौभाग्य से चोट नहीं लगी। क्लियर, तो फॉर्चुनेटली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट कर दो, या ऐसे कर दो, ही फॉर्चुनेटली मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट। क्लियर, अगला देखते हैं, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल, देयर रिफ्यूजल वॉज फर्म, तो आप प्रपोजल के बाद आपको पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फॉर्मली कर दो, फर्म में क्या कर दोगे, फॉर्मली, ठीक है, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फॉर्मली, फॉर्मली माना होता है दृढ़तापूर्वक, वे दृढ़तापूर्वक मेरे प्रस्ताव को सुनने से मना कर दिए। दिस इज ए डीएमयू ट्रेन, या डीएमयू ट्रेन है, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो मतलब हो जाएगा, मैं आपको करना है विथ ए वेरी फास्ट, ठीक है, दिस इज ए डीएमयू ट्रेन विथ वेरी फास्ट स्पीड, ऐसे कर दो, विथ वेरी फास्ट स्पीड, इसमें प्रीपोजिशन लगा दो विथ, और वेरी फास्ट के बाद स्पीड कर दो, ठीक है, विथ ए वेरी फास्ट स्पीड, तो आपका वो फ्रेज हो जाएगा, बहुत तेज गति वाली, विथ माने वाला भी होता है साथ भी होता, या बहुत तेज गति वाली डीएमयू ट्रेन है, दिस इज ए डीएमयू ट्रेन विथ वेरी फास्ट स्पीड, ऐसा हो जाएगा, स्पीड उधर चला जाएगा। क्लियर, ही किक्ड द प्लेयर, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, वह प्लेयर माने खिलाड़ी को मारा, किक माने पैर से मारना, लात से मारना, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, उसका ऐसा करना इरादा था, तो इंटें तो पहला वाक्य सेम टू सेम लिख लो, ही किक्ड द प्लेयर, उसके बाद इट वॉज हटा के
हिज भी हटा के इंटेंशन में एलवाई जोड़ दो, इंटेंशनली कर दो। ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, इंटेंशनली मैंने तो इरादा पूर्वक या जानबूझ के, मतलब वह जानबूझकर खिलाड़ी को पैर से मारा, लात से मारा। इस तरह से ये था आपका जो है आज का जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस। अब अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 7 और बताया जाएगा इसके आगे वाला पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।